ये देखो भाई जी, है ना, हम बस वाला फंस गया इधर। अब खुद भी नहीं निकल पा रहा और हमको भी निकलने नहीं दे रहा है। चलो चल तो गया है। अरे यार, ये है ना, एक्चुअली इनकी दिक्कत ही होती है यार। इनको ना सिटी में ना थोड़ा टाइमिंग का ये करना चाहिए यार। बाकी कोई नहीं, अभी चलते हम। एक्चुअली ये ट्रैवल बस है इंदौर देवास। और ये देखिए, मल्टी एक्सल वॉल्वो जा रही है। ये फंस जाएगा, इसको पकड़ लेंगे पुलिस वाले, क्योंकि अभी इस वक्त तो बहुत मुश्किल, अलाउड होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये ना इस तरफ जाएगा, ढक्कन वाला कुआ आएगा सामने, तो इधर इनका हेड ऑफिस है हंस वालों का, तो इसी तरफ जाएगा, पर कुछ कह नहीं सकते। बाकी अभी हम चलते हैं। और ये देखिए गाइस, कितनी गर्मी हो रही है ना, पूछो मत यार। अब जल्दी भी निकलेंगे ना तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, ऑफिस खुलता भी नहीं उस समय, तो टाइमिंग से निकलना पड़ता है। जल्दी पहुंच के क्या करेंगे तो, और लेट नहीं, मतलब टाइम से निकलो तो धूप भी हो जाती है बहुत यार, मन नहीं करता। चलो, और ये भाई साहब को देखो, भाई साहब ये टंकी ले जा रही है ना, एक्चुअली उसकी टंकी होती है, ऑक्सीजन देते हैं ना, ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए। ये हम लाते तो उस समय कोविड के समय, पापा एडमिट होकर आए थे घर पे, तो उनको 5 महीने लगा था ऑक्सीजन सिलेंडर। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तो आप बने रहिएगा आज की हमारी इस रोड जर्नी में। सो हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आज का मोटो ब्लॉग अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने ना थोड़ा लेट स्टार्ट करा, क्योंकि ना मेरा थोड़ा है ना दिमाग ख़राब हो गया है। किसी ने ना वहाँ पे, जब हम ऑफिस पे जाते हैं ना, कोई तो भी है ना मेरे ना लॉक पे उंगली कर रहा है। क्योंकि मैंने क्या है, शायद 5-6 महीने पहले, अब मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं, मैंने लॉक चेंज कराया था। क्योंकि एक बार मेरी सिस्टर ले गई थी राजवाड़े तरफ गाड़ी, तो पार्किंग में खड़ी करी थी, तो किसी ने उंगली करी थी उसको, तो उसके बाद मैंने ना चेंज करा लिया था। तो स्पार्क कंपनी आती है, उसको पूरा लॉक लगवाया था, तो पूरा एक्टिवा का ही है। एक्चुअली एक्टिवा होंडा को भी बना के वही देते हैं, तो मैंने डायरेक्ट उनका लगवा लिया था। और अभी मैंने आज सुबह ही चेक करा था, तो उसमें ना जो अंदर के जो रहते हैं ना, जो कवर अप और वो सब रहते, शटर लॉक तो लगा हुआ, पर अंदर का ना कुछ तो भी टूटा हुआ है वो। अब कौन उंगली कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भैया, किसी की भी गाड़ी या कोई भी किसी की चीज़ है, उसको उंगली ना करे, तोड़ा ताड़ी ना करे, अच्छी बात नहीं है। नहीं तो जिस दिन पकड़ा गया ना, तो फिर समझ लेना है। और बाकी अभी हम चलते हैं ऑफिस की ओर, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस, मैं बस निकलने ही वाला था, मैंने थोड़ी स्पीड भी बढ़ा ली थी गाड़ी की, पर एकदम से सिग्नल रेड हो गया, तो मैंने यार सडन ब्रेक मारे और गाड़ी इधर रुक गई। वैसे मेरे को पता था आइडिया कि शायद नहीं निकल पाएंगे, पर फिर भी मैंने कोशिश तो करी थी। अरे यार, अभी काफ़ी देर रुकना पड़ेगा। और ये देखिए, ये हाईकोर्ट है, गेट नंबर 2। अभी दाई जाने वाले के लिए सिग्नल खुल गया है, बस इसके बाद हमारा सिग्नल चालू होने ही वाला है, किसी भी वक्त हो सकता है। और हम भी अब फटाफट ऑफिस पहुंचेंगे। ये देखिए, अब ऑरेंज सिग्नल हो गया, अब चालू होने वाला हो गया। तो एक्चुअली मेरे को याद है, अब रोज़ निकलते ना इधर से, तो पता चल जाता है। बाकी गाइस, अब हम ऑफिस पहुंचेंगे, तो आज का ये मोटो व्लॉग जो है अभी के लिए मैं यहीं पे बंद करेंगे, और आपसे शाम को मिलेंगे। बाकी शाम को देखते हैं क्या है, हमारी रोड जर्नी कैसी रहेगी। और भैया, ये पेड़ तो होने चाहिए यार, गाइस कुछ भी कहो यार, पेड़ रहते ना देखो कितने अच्छा लगता है छाव में चलने से। और मिलते हैं आपसे इवनिंग में, तो आप बने रहिएगा। मैं ना आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे जैसे गाड़ी खड़ी करता हूँ, अब आप देखिए बाहर का तो आदमी कोई आ नहीं सकता यहाँ पे, इम्पॉसिबल। अभी इतने अंदर कौन आएगा, तो 110% जो ऑफिस के लोग रहते हैं ना पूरे बिल्डिंग में, जो भी वही आते हैं और वही कुछ ना कुछ ना करते हैं। अब कौन करता है पता नहीं है, देखते पता लगाएंगे एक ना दिन। ये देखिए गाइस, ये ना ऐसे ना परेशान कर रही है गाड़ी, बार बार बीच में एक तो ना थोड़ा ना चालू होने में भी दिक्कत दे रही है इसको ना। मेरे को है ना, अभी आज जैसे गुरुवार है ना, तो गुरुवार है कि बुधवार, पता नहीं यार मैं भी भूल गया,
नहीं नहीं गुरुवार है, गुरुवार है, सॉरी। तो इसको ना मैं दिखाई लाऊंगा, इस संडे को है ना फाइनली बात कर लेंगे क्या है क्या नहीं है, करा ही देंगे यार, परेशान करने लग गई लग जाएगी और ज़्यादा नहीं तो। और अभी हम निकलते हैं यहाँ से, और ये अब देखिए ऑलमोस्ट 7:20 होने वाले हैं। और ये आजकल पता नहीं क्या क्या है, ये भूटानी इंफ्रा का बहुत है ना एडवर्टाइजिंग आ रही है जगह जगह, पता नहीं क्या है। तो अभी हम गीता भवन पहुंचने वाले हैं। और कहीं पता नहीं एक चीज़ थी कि पता नहीं आज है ना मेरी दोपहर से ना आंखें काफ़ी जल रही है। एक्चुअली मैं ना जो देवास गया था, सर का कुछ काम था तो ऐसे उन्होंने उनकी गाड़ी दी थी मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे मैं मेरी से भी चले जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बोल दिया कि मेरी गाड़ी ले जा, मैंने कहा ठीक है। तो पता नहीं उसके बाद से ना थोड़ी से मेरे को ऐसा लगा मेरी आँखों में ना जलन हो रही है, क्यों हो रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने भी क्या है कि बहुत दिनों बाद ड्राइविंग करी है ना यार, तो हो सकता है इस वजह से भी हो, बाकी कोई नहीं। और ये देखिए आप कितना जाम लगता है यार, खतरनाक वाला जाम है इधर तो, मतलब निकलने की जगह भी बनाना पड़ती है अपनों को, धीरे धीरे करके घुसना पड़ता है तभी काम होता है, नहीं तो ऐसा निकल नहीं सकते। चलो अभी चलते हैं हम यहाँ से और आगे देखेंगे। देखिए इस तरफ इसे ना दिक्कत होती है, आपको जब उस तरफ जाना रहता ना, मेरे साथ भी हुआ था कि काफ़ी लोगों ने ऐसे उल्टा आ रहे है। मैं एक बार हो गया था मेरे साथ भी ऐसा, पर इसलिए ना मैंने इस रूट से आना ही बंद कर दिया। मैंने शायद बीच में एक बार वीडियो डाला था, आपको बताया था कि हमको थोड़ा सा उल्टा घूम के आना पड़ रहा है, तो इस चक्कर में मैंने भी है ना वही रूट अपनाते हम जो अपना रोज का हम ऐसे जाने वाला, वो बेटर है भैया। शॉर्टकट के चक्कर में उल्टा घूमो और ये करो उधर करो तो मैंने अपने को जमता नहीं है, तो अपन भी भैया ऐसे ही चलो। आते में ये रूट बहुत बढ़िया है। चलो ये आगे देख सकते हैं आप, ये बिजली बोर्ड वाले जा रहे हैं। जिस हिसाब से अभी जो क्लाइमेट है ना गाइस, तो मेरे हिसाब से अभी आप देख सकते हो टाइम जो 7:25 हो गए, तो 7:30 तक जो है ना आप बिना लाइट के भी, मतलब हेडलाइट के भी गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे आजकल तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है हेडलाइट का, और पर आप लगा चला सकते हो अगर आपके गाड़ी में नहीं है, पुरानी गाड़ी है तो उस हिसाब से आपको दिखता है, क्योंकि अभी एकदम से पूरा अंधेरा नहीं हुआ है। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हमको जाना लेफ्ट है, ये सामने जिनको जाना वो भी इधर लेफ्ट, मतलब ये वाली लाइन में घुसा के बैठ गए, अब क्या बोलूँ मैं भी, क्या है यार। चलो भैया जी, तो अभी आप देख सकते हैं पीले पीले आम। तो गाइस अब हम आज का ये मोटो व्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं भी आज थोड़ा टायर्ड हो गया, देवास गया था काफ़ी दिनों बाद ड्राइविंग भी करी थी, तो कोई नहीं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे वीडियोस अच्छे लग रहे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपसे जल्दी मुलाकात होगी कल, तो बने रहिएगा। सो टाटा बाय बाय गुड बाय, अब कल मिलते हैं। ये देखिए गाइस जाम यहाँ तक लगा है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ हम निकल ही नहीं पाएंगे अब इस सिग्नल में, अगर खुला भी ना। आप देखिए कितनी बसेस खड़ी है, अब कैसे निकलेंगे अब आप बताओ, गाड़ी की स्पीड ही नहीं है। फिर भी हम कोशिश तो कर रहे हैं डालने की कैसे जैसे करके। ये देखिए गाड़ी निकलेगी तो निकलेगी कैसे भैया, अब जाम देखिए यार कितनी बसेस है। ए भगवान, अभी एक्चुअली मेरे को लगता है सिग्नल खुल गया है पर गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही है, पता नहीं क्या है। चलो अभी हम थोड़े थोड़े तो हिले, पहुँचते जैसे जैसे करके। तो अभी हमको थोड़ा थोड़ा तो रास्ता मिल रहा है,
बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है मेरे को। मैं ना इधर से चलता हूँ यार, क्योंकि क्या है कि उधर से बस और बड़ी बड़ी गाड़ी है ना, तो उधर से निकलना मुश्किल होगा। इधर भी साले ने घुसेड़ दी यार, बस बहुत मुश्किल है अब तो यार। पता नहीं क्या है, कितना टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट 7:30 बजी गई है अभी। पता नहीं यार कितनी देर से खड़े यार यहाँ पे, हिलने का नाम नाम ही नहीं ले रहा है जाम। और ये तो कोई अलग भैया आ गए सीढ़ी लेके, उनको उधर क्रॉस करके जाना है। अरे यार एक्चुअली पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि सिग्नल चालू है बंद है, गाड़ियाँ हिल ही नहीं रही है बिल्कुल भी। और इस तरफ देखो चंदा मामा आ गए अलग। अरे यार कब तक घर पहुंच जाते, गाड़ियाँ ही नहीं हिल रही यार, क्या है। चलो एटलीस्ट हिली तो सही, अब कई लोग तो इधर ही जा रहे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इधर से रास्ता है, और अगर है तो किधर जाएगा वो। पता चला और गली कूचे में अपन घूम गए और मिले ही नहीं। चलो कोई नहीं, अभी यार हमको तो जाना सीधे से ही पड़ेगा यार। लोगों ने बोला, लोग सभी ना इधर से जाने लग गए, वो बोल रहे कि रैली निकल रही है और बहुत टाइम लगेगा उसको। अरे मैंने कहा यार, एक तो मैंने देखी नहीं रैली, तो उस पर क्या बोलूँ मैं। और अगर निकल रही है तो भैया ऐसे उत्तर रोड को जाम क्यों कर दिया। अभी हम तो जहाँ तक पहुँचे थे तब उतना जाम था, अभी 10-15 मिनट हो गए हमको खड़े खड़े, तो और कितना लंबा जाम हो गया होगा, पता नहीं क्या है। और इस तरफ देखो ये लैब्राडोर्स, हमारे रेंज जैसा ही है ये भी। हवा यार, अब उन्होंने बोला इधर से निकलो। अब इधर से किधर निकले भगवान ही जाने। अब ये सब गाड़ियाँ जा रही है देखो, तो हम इनके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। अब हमको भी नहीं पता रास्ता कहाँ जाएगा, भगवान ही जाने। देखते कहीं ना कहीं तो निकलेगा। और ये देखिए यहाँ पे गली गुचे है पूरे के पूरे भैया। ये गौरी घोड़ेश्वर कॉम्प्लेक्स जाना किधर से। आया ये रास्ते में आया हूँ एक बार इधर, पर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि रास्ते किधर जाते क्या जाते। चलो मेरे हिसाब से लगता है कि इधर से निकल जाएंगे हम। और चल तो रहे बस। ये देखो ये एजेंसी होटल आ गई गाइस इस तरफ, ये देखिए। अब मुझे जो लगता है ना, अब इधर से हम इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता जो है ना अपना रिंग रोड पे पहुँचेगा। और अपना इधर क्या बोलते हैं, बंगाली और अपने पिपलियाना के बीच में, तो इधर से इधर अपन निकल जाएंगे। देखो मैंने बताया था ना ये रास्ता ऐसा निकलेगा, और उधर काय का जाम लगा है भगवान ही जाने। सलाम मगज मारी। ये देखो भाई से वो सब गाड़ियाँ रोक के रखी, देखो 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 किसी सब गाड़ियाँ रोक के रखी उधर। अब इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते, तो जाएगा तो ऐसा हुआ आ कौन रहा है भैया, तो पूरे जाम करके रख दिए रास्ते। ये देखिए गाइस ये रोड है ना पूरा बंद है, उधर भी ना पूरी गाड़ी है ना ब्लॉक करके रखी, बंद करके रखा है, उधर से वाला रोड चालू है बस। पता नहीं क्या चल रहा है भैया यार, और हमको बीच में से जाने भी नहीं दे रहे कहीं से भी। मेरे को लगता है अभी इधर से हम निकल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, फटाफट निकलो यार, कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, बहुत ही उल्टा घूम का आना पड़ रहा हमको एक्चुअली। तो एट लास्ट हम हमारे रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं मिल, या फिर रास्ता जाम नहीं हुआ या बंद नहीं कर दिया गया, नहीं तो फिर पता नहीं गली गुचे में से जाना पड़ेगा घूम घूम के। चलो यार फटाफट चलो, बस घर पहुंच जाए हम तो, नहीं तो और पता नहीं कितना मिनट और वेट करना पड़ेगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये क्या है ये। अभी देखो अभी है ना ये रोड चालू कर दिया उन्होंने पूरा। अब समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, अभी ये पूरा रोड है ना पूरा रोड खाली था, पूरा बंद करके रखा था, अब एकदम से चालू कर दिया। इतना घूम के आना पड़ा ना मेरे को, ऐसा 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 पूरा गोल घूम के आना पड़ा राउंड, क्या है। चलो कोई नहीं, अभी हम तो हमारे अब
घर पहुंच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो इस तरफ अलग जाम लग गया है, पर अब हम स्कूटर पे तो हम तो फटाफट निकल जाएंगे। और जैसा कि हमको तो भैया लेफ्ट ही जाना, हमको नहीं जाना इधर उधर। और उधर का भी है ना खुल गया मेरे हिसाब से ट्रैफिक, पता नहीं है, मैं तो नहीं जा रहा उधर देखने। चलो कोई नहीं, अब हम फटाफट घर पहुँचते और आज का ये मोटो व्लॉग यही पे एंड करते और मिलते हैं आपसे कल। तो टाटा बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब यहाँ पे काय का जाम लगा भगवान ही जाने क्या है यार ये। अब ये ना कोई तो ये बत्ती रहती है ना अपनी, कौन सी बत्ती, लाल और अपनी नीली बत्ती, वो निकल रहा था तीन चार गाड़ी लेके, पता नहीं कितनी है। मैं तो उस तरफ खड़ा था, जब मैं इधर आया तो मैंने देखने में आया कि ये गाड़ी निकल रही है यहाँ से, कहीं ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री निकल रहा, तो उस चक्कर में पूरा जाम कर दिया होगा। भैया अगर मुख्यमंत्री निकल रहा है तो यार एक चीज़ सुनो यार, शाम को मत निकलो, शाम को ऐसे ट्रैफिक बहुत हेवी रहता है, थोड़ा टाइम चेंज करो यार। बाकी ये देखो ये गाड़ियाँ तो जा रही है ऐसे पुलिस की, पर मेरे हिसाब से जो मेन गाड़ियाँ थी ना वो तो निकल गई है, क्योंकि अभी उन्होंने जैसे ट्रैफिक खोला है ना, तो मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। अब यहाँ पे अलग जाम, हे भगवान आज कहाँ फंस गया मैं यार, कौन सा मुहूर्त में निकला है मेरे ऑफिस से। ये देखो ये मैंने जैसे तैसे करके इधर उधर से निकाल रहा हूँ गाड़ी, क्या करूँ। चलो अब ये तो जाम चलते ही रहेगा, अब हमारा टेंशन खत्म हो, अब हम तो हमारे घर पहुँच जाएंगे इजीली। चलो मिलते हैं आपसे।